हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी आरसी यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज हम एक फायर सेंसर बनाने जा रहे हैं और यहां पर हम किसी तरह का फोटो डायोड या फिर आयर सेंसर या स्मोक डिटेक्टर या फिर एलडीआर किसी तरह का भी कोई यूज सेंसर यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक सिंपल सा लेंगे एक डायोड। जी हाँ, यहाँ पर हम एक डायोड का यूज करके एक फायर सेंसर बनाएंगे। ये जो डायोड है ये फायर को सेंस करेगा, ये पता लगाएगा कहाँ पर आग लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं ये डायोड कैसे पता लगा सकता है कहाँ पर आग लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं मल्टीमीटर का यूज़ करने वाला हूँ और मल्टीमीटर को मैंने कंटेनर पर टेस्ट सेट कर दिया है। दोस्तों, आप जानते होंगे जो डायोड होता है उसका दो टर्मिनल होता है, एक होता है एनोड का और एक होता है कैथोड का। तो ये इसका एनोड और ये इसका कैथोड। अगर हम एनोड में पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और कैथोड में नेगेटिव देते हैं तो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, मतलब कि यहाँ से पॉजिटिव यहाँ पर फ्लो होता है। ठीक है, मतलब कि ये करंट फ्लो हो सकता है। अगर हम एनोड में नेगेटिव और कैथोड में पॉजिटिव देते हैं तो जो डायोड है ये रिवर्स बायस हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए पहले हम इसको फॉरवर्ड में चेक कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एनोड में पॉजिटिव लगाता हूँ और कैथोड में नेगेटिव को, तो आप देख सकते हो यहाँ पर मुझे कुछ रेजिस्टेंस शो कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवर्स में लगाता हूँ तो यहाँ पर मैंने इसको रिवर्स में कनेक्ट किया हुआ है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक किसी तरह का भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, क्योंकि रिवर्स में इसका जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से ये कंटेनर पर शो नहीं करता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम हीट करके देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो एक माचिस के जरिए मैं इसको हीट करता हूँ, तो आप देख सकते हो इसका जो रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ से आग को हटा देता हूँ तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो फिर से बढ़ रहा है। तो इसी रेजिस्टेंस को हम यूज करके इसको एक हीट सेंसर के जरिए हम यूज करेंगे या फिर एक फायर सेंसर के जरिए हम इसको यूज करेंगे। तो चलिए इसका सर्किट हम बनाते हैं और इसको एक फायर सेंसर के जरिए हम यूज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं इसको बनाने के लिए एक BSC547 जो कि NPN ट्रांजिस्टर है, इसको मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। अगर आपके पास BSC547 का ट्रांजिस्टर नहीं है तो आप यहाँ पर किसी तरह का भी NPN ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हो। एक 220 ओम का एक रेजिस्टेंस लेते हैं और इसको इसके बेस में कनेक्ट कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस मैं इस ट्रांजिस्टर को प्रोटेक्शन देने के लिए यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर 100 ओम से लेकर के 1K तक भी यूज कर सकते हो अगर आपके पास 220 ओम का नहीं है, और यहाँ पर आप एक पोटेंशियोमीटर भी यूज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक बोजर जो कि मुझे बताएगा कब आग लगा, ये एक सायरन की तरह काम करेगा। और ये जो बोजर का जो नेगेटिव है उसको मैं ट्रांजिस्टर पर कनेक्ट कर देता हूँ। अभी मैं एक LED ले रहा हूँ, LED मुझे बताएगा इंडिकेटर के जरिए LED मुझे बताएगा कि आग लगा हुआ है या नहीं, और इस LED का जो नेगेटिव है उसको भी मैं इस बोजर का जो नेगेटिव है वहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ। अभी इस LED का जो पॉजिटिव है वहाँ पर एक 220 ओम का रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हुए उसको मैं इस बोजर के पॉजिटिव पर कनेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं 9 वोल्ट का यूज करने जा रहा हूँ और ये जो LED मैंने यूज किया ये 9 वोल्ट से ऑपरेट नहीं होगा, जिसके वजह से LED जल सकता है। तो यहाँ पर मैं एक रेजिस्टेंस का यूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पर 470, 330 या फिर 1K का रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो। दोस्तों, अब हम लेते हैं वो डायोड, जो डायोड मैंने यूज किया था ये एक 1N4148 का डायोड है। आप यहाँ पर एक सिंपल से डायोड भी यूज कर सकते हो। तो इसको यहाँ पर हमें कैसे कनेक्ट करना होगा। दोस्तों, इसका है एक एनोड है और एक है कैथोड। तो जब भी आप इसको यहाँ पर कनेक्ट करो तो आपको रिवर्स में कनेक्ट करना होगा, मतलब कि इसको आपको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना होगा। इसका जो कैथोड है उसको बोजर के पॉजिटिव पे या फिर जहाँ पर हमें पॉजिटिव सप्लाई देना है वहाँ पर कनेक्ट करना होगा, और इसका जो एनोड है
उसको हमें इस ट्रांजिस्टर के बेस पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस पे कनेक्ट करना है। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें इसमें पावर सप्लाई देना है। तो इसके लिए मैं ये 9 वोल्ट का जो बैटरी का जो कनेक्टर है उसको मैं यूज करूँगा, और यहाँ पर मैं नेगेटिव को कनेक्ट कर देता हूँ, और इसका जो पॉजिटिव है मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ बोर्ड के पॉजिटिव पर। तो जो सर्किट है ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब चलिए हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो इसको टेस्ट करने के लिए हमें इसको हीट करना होगा, और यहाँ पर मैं 9 वोल्ट का पावर सप्लाई यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने पावर सप्लाई दे दिया है, लेकिन अभी भी ये बोजर नहीं बज रहा है और ना ही इसका जो इंडिकेटर है ये जल रहा है। अगर यहाँ पर किसी तरह का आग लग जाता है तो ये जो सर्किट है ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने इसके सामने आग को लाया ये हीट हो गया। हीट होने के बाद ये जो बॉजर है ये बजने लगा और LED जलने लगा। अभी फिर से हम टेस्ट करते हैं। फिर से मैंने जब इसको हीट किया तो ये फिर से बजने लगा, और ये धीरे धीरे जब भी जैसे इसका हीट डिक्रीज होता जाएगा इस डायोड का, धीरे धीरे ये जो LED का ब्राइटनेस है और जो बॉजर बज रहा था वो भी कम होता जाएगा। अगर हम इसको हीट करते हैं तब भी ये हमें अलार्म बजाएगा। तो आपने देखा जैसे मैंने इसको हीट कर दिया तो ये इसका जो अलार्म है ये फिर से बजने लगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना। अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।